मेरा नया ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आप देखिए, हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम दिखाएंगे नए ब्लॉग में कि मेरा खेत बाड़ी में कैसा फसल है और कौन सा फसल कितना दिन में ख़त्म हो जाएगा और क्या बच गया है और क्या रह गया है, दिखाते हैं। ये है पत्ता गोभी या बंधा गोभी बोलिए, ये पूरा एकदम ख़राब हो चुका है। इसका रेट गिर गया है, मतलब डाउन हो गया है, कम हो गया भी, दूर दूर तक लगाए थे। देखिए उधर बकरी है, घर है, मेरा गांव है, उधर सनलाइट। आप दिखाते हैं थोड़ा, देखिए ये गेहूं है, ये टमाटर। अब देखिए टमाटर भी अब ज़्यादा नहीं है, टमाटर भी अब ख़त्म हो गया। और ये गेहूं है, देखिए गेहूं अब पक गया है। अब इसको 2-3 सप्ताह में कटाई हो जाएगी, 2 सप्ताह के अंदर। उसके बाद इसको थ्रेसर में इसको निकाल देंगे फ्रेश करके। और ये है प्याज, अभी छोटा छोटा है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। देखिए कैसा दिख रहा है, कुछ फसल है ये सब। और अभी हम आपको दिखाते हैं और आगे चलिए। देखिए ये मटर था, मटर देखिए, आप लोग पहचानते होंगे मटर को, ये कैसा हो गया, पूरा ख़त्म हो चुका है। यहाँ तक देखिए पूरा ख़त्म हो चुका है। ये अरहर है, आप लोग लाहर जानते होंगे, झारखंड के लोग और बिहार के भी, यूपी का भी लगभग जगह के लोग। ये मिर्च है, हरी मिर्च, देखिए सब चीज़। अब सीज़न गिर गया है तो ज़्यादा नहीं है, लगभग 5 महीने का था, 6 महीने तक चला। हाँ 5 महीने तक था, 6 महीने तक चला, मतलब काफ़ी हो गया। इसका डेट एक्सपायर हो गया। मटर था, इधर ख़त्म हो गया मटर। और अभी दिखाते हैं, मटर पूरा सूख चुका है। और ये है राहड़, हमको दिखाते हैं नज़दीक से थोड़ा। देखिए कितना सुंदर नज़ारा लगता है देखने में, मस्त लगता है देखने में। अब थोड़ा पेड़ देखिए, ये प्रास का फूल है। प्रास मेरे गांव में बहुत ज़्यादा प्रास है, देखिए। प्रास का फूल लगभग यूपी, बिहार, झारखंड, हरियाणा, असम, चंडीगढ़ तरफ भी पाया जाता है। ये किस चीज़ का है पेड़, आप लोग को बताना होगा। ये गेहूं है, अभी कुछ गेहूं हर रहा है। इसको भी लगता है कि 15 दिन लगेगा ज़रूर अब इसको पकने में। वो तो पक गया, 15 दिन लगेगा। और ये है प्रास का फूल है, झारखंड, बिहार, यूपी के लोग ज़्यादा इसको जानते हैं। देखिए यहीं का मस्त लग रहा है देखने में। अब थोड़ा सा थंबनेल का फ़ोटो ले लेते हैं। हम तो नए हैं, आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोग सपोर्ट कीजिए, हमको आगे बढ़ाइए और चैनल को ग्रो कीजिए। देखिए थंबनेल के लिए, और देखिए अभी हम दिखाते हैं और इधर इधर इधर। देखिए इससे भी जाना होगा, ये बहुत बड़ा है। अपना से दिखाते हैं,
जुड़े रहिए। ये पीपल का पेड़ है, बहुत बड़ा है, लगभग 70 फीट से प्लस है, 70-80 फीट का है ये वाला, बहुत बड़ा। आज से नहीं, कई वर्षों से है यहाँ पे। और एक क्वेश्चन आप लोगों से कि ये किस चीज़ का पौधा है, आप लोग बताइए, आप लोग को बताना होगा ये क्या है, आप लोग बताइए, कमेंट में बताइए। और प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को ग्रो कीजिए, आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग ग्रो कीजिए मेरे चैनल को और आगे बढ़ाइए। देखिए आगे चलते हैं, ये किस चीज़ का है, पौधा है या पेड़ है, बताइए। फूल को तो नहीं दिखाएंगे, आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा सब्सक्राइब करके, लेकिन अब यहाँ तक दिखा देते हैं। बताइए किस चीज़ का है, बताइए बताइए बताइए। हम अपना वेल दिखाते हैं, देखिए इसमें मछली देखिए चला गया अंदर, दिखाते हैं किधर हो भाई, निकलो। देखिए नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, उधर तक भी नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। और दिखाते हैं, ये लहसुन है, देखिए लहसुन का पौधा कैसा होता है, ये देखिए, इसको क्या बोलते हैं, आप लोग कमेंट में बताइएगा, इसको भी बताइएगा क्या है, आप लोग को बताना होगा। और इस पेड़ को देखिए कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है, 70-80 फीट का है, 70 फीट से प्लस है, देखिए। अब तो ये है पुदीना, पुदीना, हाँ 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 ले लो पुदीना। और ये है गेंदा फूल, सूख गया, पूरा सूख गया, इसको बोलते हैं गेंदा फूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं। लौकी देखिए एक बार दिखाए थे ना आप लोगों को, देखिए पूरा ख़त्म हो चुका है, नया वाला है, और देखिए फसल पूरा ख़राब हो गया है।